नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे 20 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजन अधिकार स्पॉन्सरशिप राइट्स किसे मिले हैं? तो जो भारत में होने वाली जो पहली मोटो जीपी रेस है, तो इसके स्पॉन्सरशिप राइट्स मिले हैं इंडियन ऑयल को। सी ऑप्शन, तो इंडियन ऑयल को मिले हैं मोटोजीपी रेस के स्पॉन्सरशिप राइट, और ये भारत में पहली बार हो रही है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में पहली बार मोटोजीपी की रेस का आयोजन किया जा रहा है, और जो ये आयोजन है ये 22 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा, और ये आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। तो जो ग्रेटर नोएडा का बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, तो यहाँ पर मोटोजीपी रेस का आयोजन किया जा रहा है। तो 22 से 24 सितंबर तक ये आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या है 42, और इन 42 टीमों में टोटल राइडर होंगे 84, तो 84 इसमें राइडर है। मोटोजीपी क्या है? ये सबसे पॉपुलर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप है, और इसका आयोजन पहली बार हो रहा है भारत में। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन किया जा रहा है 22 से 24 सितंबर तक। क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च की है? तो वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए जो आईबी साथी पहल है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इंडियन बैंक के द्वारा। तो इंडियन बैंक के द्वारा आईबी साथी पहल लॉन्च की है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो इंडियन बैंक है, इसने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी लॉन्च किया है। इंडियन बैंक, जिसकी स्थापना 1907 में की गई, और इसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। तो चेन्नई में इसका मुख्यालय है, और इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में की गई, और इसने हाल ही में आईबी साथी पहल लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर फोर है, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो जो भारत की G20 अध्यक्षता पर जो पीपुल्स G20 ई पुस्तक है, इसका अनावरण किया है अपूर्व चंद्रा ने। तो अपूर्व चंद्रा ने G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो अपूर्व चंद्रा है, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव हैं, और इन्होंने दिल्ली में भारत की G20 की अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया है। ये जो पुस्तक है, ये भारत की G20 अध्यक्षता पर आधारित है, और इसमें तीन खंड दिए गए हैं। पहले खंड में जो नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर 2023, तो इसके दौरान जो आयोजित G20 शिखर सम्मेलन था, इससे जुड़ा है पहला खंड। इस पुस्तक में G20 की संरचना और कामकाज को समाहित किया गया है। तो पहले खंड में संरचना और कामकाज को समाहित किया गया, जो 9 और 10 सितंबर को आयोजित किया गया था। दूसरे खंड में शेरपा और विद ट्रैक, इसके तहत जो विभिन्न कार्य समूह की बैठक हुई थी, उसका सारांश दिया गया है। और जो आखिरी खंड है, तीसरा खंड, इसमें जो पिछले एक वर्ष में देश में आयोजित जो जन भागीदारी कार्यक्रम है, इसके बारे में एक फोटो निबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने कलाकारों को जो संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार है, तो इससे 84 कलाकारों को 84 कलाकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने आजादी के
महोत्सव के अवसर पर देश की प्रदर्शन कला की जो विभिन्न क्षेत्रों के 84 कलाकार हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इस पुरस्कार में 75 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को सम्मिलित किया गया है और इन्हें सम्मानित किया गया है। ये वो कलाकार हैं जिन्हें अपने करियर में कोई भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसकी अध्यक्ष हैं संध्या पुरेचा। तो संध्या पुरेचा संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष हैं, और जो इस बार सम्मानित किए गए हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, तो टोटल इसमें 84 कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वियरेबल जो पहनने योग्य रिंग OTG है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारत में हाल ही में कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट जो पहनने योग्य रिंग OTG है, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? NPCI के द्वारा। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो NPCI के द्वारा कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वियरेबल रिंग OTG लॉन्च की गई है। इसके बारे में जान लेते हैं कैसी है ये रिंग। तो जो NPCI है, फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने 7 रिंग नामक रुपए OTG रिंग को लॉन्च किया है, और ये भारत में बनी पहली कॉन्टैक्ट लेस भुगतान पहनने योग्य ये रिंग है। तो भारत में पहली बार बनी है, कॉन्टैक्ट लेस है और इससे भुगतान होगा, और पहनने वाली ये रिंग है। जो ये रिंग है, ये जिरकोनियम सिरेमिक GrO2 जिरकोनियम डाइऑक्साइड से बनी हुई है। NPCI की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, और जो ये रिंग है तो किस धातु से बनी है, से बनी है? जिरकोनियम सिरेमिक GrO2 जिरकोनियम डाइऑक्साइड, तो जिरकोनियम के ऑक्साइड से ये बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस व्यक्ति को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को, जो सिंगापुर का सम्मान है ली कुआन यू एक्सचेंज जो फेलोशिप है, तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है हेमंत विश्व शर्मा को। तो हेमंत विश्व शर्मा को सिंगापुर के ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो हेमंत विश्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, और इन्हें सिंगापुर सरकार ने सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की जो शीर्ष फेलोशिप है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप, इससे सम्मानित किया गया है। हेमंत विश्व शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री है, और असम के ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। हेमंत विश्व शर्मा से पहले की बात करें कि ये अवार्ड किस किस को दिया गया है, तो इनसे पहले ये अवार्ड जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है अरुण शौरी, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और योजना आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष है मोंटेक सिंह अहलूवालिया, तो इन 3 व्यक्तियों को इनसे पहले ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप है, ये सिंगापुर के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ली कुआन यू, तो इनके नाम पर ये जो अवार्ड है समर्पित है, और ये अवार्ड इनके द्वारा जो राष्ट्र के पद प्रति उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया था। अवार्ड का नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में स्पेनिश लीग जिसका नाम है ला लीगा, तो ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो जो स्पेनिश लीग है ला लीगा, तो इसने पश्चिम बंगाल में फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्पेनिश लीग है ला लीगा, और इसने पश्चिम बंगाल में एक फुटबॉल अकादमी स्थापित करने के लिए समझौता किया है। जो ला लीगा है ये स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल 41वां भारतीय स्थल है? तो किसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 41वां भारतीय स्थल, इसमें से कौन सा है जिसे कि हाल ही में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है शांति निकेतन। तो
तो शांति निकेतन 41वां भारतीय स्थल है जिसे कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। तो शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल के बीरभूर जिले में स्थित है। तो बीरभूर जिले में स्थित है शांति निकेतन और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जो विश्व धरोहर समिति का जो 45वां सत्र है ये 10 से 25 सितंबर तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दो हेरिटेज को, जो भारत के दो हेरिटेज है, इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो जो ये सत्र है इसमें भारत के दो हेरिटेज को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। कौन कौन से दो हेरिटेज हैं? पहला है शांति निकेतन। शांति निकेतन जिसकी स्थापना 1901 को की गई थी और इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी 1901 में। शांति निकेतन, शांति निकेतन है, इसे यूनेस्को द्वारा भारत के 41वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरा है होयसल मंदिर। जो होयसल मंदिर है ये कर्नाटक में स्थित है। तो जो होयसल मंदिर है ये है कर्नाटक में स्थित और होयसल मंदिर जो है ये 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये मान्यता दी गई है इसे। तो होयसल मंदिर कौन सा है? ये 42वां विश्व धरोहर स्थल है। वर्तमान की बात करें तो अब भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या हो गई है 42। तो टोटल 42 हो गई है, 41वां शांति निकेतन और 42वां जो लास्ट वाला है वह है होयसल मंदिर जो कि है कर्नाटक में स्थित। इन 42 हेरिटेज लिस्ट की बात करें, हेरिटेज जो साइट है इनमें से, इनमें 34 साइटें सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है और जो एक है वो मिश्रित है जिसमें आता है कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है 3। कौन कौन से हैं? पहला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और तीसरा है जो कि 41वां शामिल किया गया है अभी, शांति निकेतन 41वें नंबर पे। तो पश्चिम बंगाल से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 3 है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में है, पेरिस में। तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें यूनेस्को की तो उनका नाम है ऑड्रे अजोले। तो ऑड्रे अजोले यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो जो ये इंडेक्स है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, तो 2023 में शीर्ष स्थान मिला है भारत को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत को ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान मिला है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है इसमें 154 देश शामिल है और जिसमें भारत को मिला है पहला स्थान, दूसरा स्थान मिला है नाइजीरिया को, तीसरा वियतनाम को, चौथे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन पांचवें स्थान पर है। तो जो टॉप 5 है इसकी लिस्ट आपको दी गई है और पहले स्थान पर रहा है भारत का नाम। जो ये ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स है इसको जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है चैनालिसिस। तो चैनालिसिस के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इसमें 154 देश शामिल है जिसमें कि भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों ये हो गए 20 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।